नेक्स्ट इसमें देखो सेशन हैंडलिंग। सेशन का मतलब क्या होता है, यूजर और साइट के बीच में सेशन स्टार्ट होना, मतलब यूजर आया उसने लॉग इन किया या आपकी साइट खोली। तो सेशन एक तरह से एक टाइम है, एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो आपकी साइट होती है और प्लस जो यूजर होता है उसके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश हो जाता है। क्योंकि साइट एक होती है, यूजर्स बहुत सारे होते हैं, तो साइट ये पता नहीं कर पाती है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है हमें किस क्लाइंट से आ रही है। जैसे मान लो तीन क्लाइंट है, अब एक क्लाइंट ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और दूसरा क्लाइंट जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो थोड़ी ना पहले क्लाइंट के थ्रू ही, मतलब या पहले क्लाइंट जैसा ही प्रोडक्ट खरीदा, दोनों दोनों अलग अलग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेशन में हम लोग साइट पे ये मेंटेन करते हैं कि ये पर्टिकुलर यूज़र जो आया है उसका यूज़र आईडी ये है, उसने ये प्रोडक्ट खरीदा हुआ है और उसको हमें अलग से प्रोसेस करना है। दूसरा यूज़र है तो वो भी अलग से आया है, उसका यूज़र आईडी अलग है और उसका हमें प्रोडक्ट उसने परचेस किया है तो वो भी आपको अलग प्रोसेस करना है, उसका बिल भी जनरेट अलग करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको सेशन हैंडलिंग के थ्रू होती है। तो सेशन हैंडलिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे दो फंक्शन है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन स्टार्ट और सेशन स्टॉप या डिस्ट्रॉय। इसको डिस्ट्रॉय बोलते हैं, मतलब जब भी कभी सेशन आपको किसी भी फाइल में मैनेज करना हो या किसी भी पीएचपी पेज में मैनेज करना हो तो ये फंक्शन हमेशा पहले लिखा जाएगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सेशन स्टार्ट मस्ट बी कॉल्ड बिफोर क्रिएटिंग एक्सेसिंग और डिलीटिंग अ सेशन। इट मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी वाइट स्पेस और एचटीएमएल आउटपुट ऑफ द ब्राउजर। मतलब आपको पहला कोड ये लिखना है, मतलब एचटीएमएल से ऊपर आपको पीएचपी के अंदर ये वाला स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तभी सेशन हैंडलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें ये क्या करता है, गेट द सेशन कुकी फ्रॉम द ब्राउजर एंड ओपन अप दैट फाइल फॉर, और इफ नो सेशन कुकी वर फाउंड और नो फाइल दैट मैच क्रिएट अ न्यू वन। मतलब ये क्या करता है, कुकी फाइल क्रिएट कर देता है हर सिस्टम पे। ठीक है, जब भी सेशन हम स्टार्ट करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो एक सेशन आईडी के थ्रू जाती है, सेशन का एक नंबर होता है बेसिकली, उसके थ्रू वो आपकी रिक्वेस्ट भेजता है और हर क्लाइंट का एक अलग से नंबर होता है, वो खुद ही जनरेट करता है। सेशन आईडी एक होती है, सेशन आईडी खुद ही जनरेट होती है अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है, अब सेशन के अंदर हम डेटा रखते कैसे हैं, जैसे एक तो मेन है कि सेशन ओपन तो कर लिया हमने, स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब इसमें डेटा कैसे रखेंगे। जैसे यूजर आया, यूजर ने अपना लॉगिन किया तो उसका लॉगिन आईडी होगा एक, तो उसकी एक वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू रखने के लिए हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है डॉलर अंडरस्कोर सेशन। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में विजमैक्स दे दिया, सेकंड नेम में या लास्ट नेम में हमने इंफोसिस दे दिया। आप चाहो तो यूजर आईडी और उसका कोई दूसरा वैल्यू, जैसे उसका पासवर्ड हो गया, पासवर्ड तो स्टोर नहीं करते हैं सेशन में हम लोग, जैसे उसका एक अकाउंट नंबर होता है या रिक्वेस्ट नंबर होता है या तो प्रोडक्ट नंबर होता है, मतलब यूआईडी और प्रोडक्ट नंबर ये दोनों हमने स्टोर कर लिए। अब ये जो प्रोडक्ट नंबर और ये यूआईडी स्टोर होता है, पीएचपी के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, जैसे मान लो ये आपके 5 पेज हैं, 5-6 पेजेस हैं, आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी तक आपने सीखा होगा, जैसे जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो उसमें जो वेरिएबल बनाओगे आप किसमें, उस पर्टिकुलर पीएचपी पेज में, एक वो वेरिएबल उसी पेज तक लिमिटेड होगा, दूसरे पेज में एक्सेस नहीं होगा। लेकिन सेशन के अंदर वो आपने डेटा स्टोर कर दिया, सेशन के अंदर डाल दिया कोई डेटा आपने, तो वो डेटा आपका थ्रू आउट द पेज कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी मतलब एक खासियत है सेशन हैंडलिंग की, ये एडवांटेज है आपके लिए कि एक ग्लोबल एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, मतलब पूरी साइट के लिए एक ग्लोबल वेरिएबल उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने स्टोर कर दिया, आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हो, रीड वैल्यू फ्रॉम द सेशन, तो इस तरह से आप वैल्यू रीड कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका है आपका रीड करने का, जैसे लिखा था उसी तरह से पढ़ लेंगे, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे हम आपको एक लॉगिन पेज बनाया हमने, ये लॉगिन पेज जो आपको दिखेगा रन होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, लोकल होस्ट डेमो साइट लॉगिन फॉर्म डॉट पीएचपी। तो इसमें आपको
ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो एक चेक लॉगिन डॉट पी एच पी पे पेज पे जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कोडिंग करी है इसकी, इस कोडिंग में हमने फॉर्म लिखा हुआ है, एक्शन किस पे दे दिया, चेक लॉग चेक यूजर डॉट पी एच पी। ठीक है, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ये नीचे एक बटन है आपका, ये लॉग इन बटन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है चेक यूजर। चेक यूजर का काम क्या होगा, वैल्यू गेट करेगा, गेट करके उसकी वैल्यू चेक करेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड सही है, तो उसको कहाँ भेज देगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे, इस वाले पेज पे। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी आपने देखा था लास्ट टाइम, इस तरह का आपका रन होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर वेलकम टू बेकरी, ठीक है, या वेलकम उसका नाम है किसका, उस बंदे का जिसने लॉगिन किया हुआ है, वेलकम टू बेकरी इन नहीं है, ठीक है, वेलकम टू या वेलकम यूजर नेम, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखो, आप यहाँ हम गए एक नया पेज के लिए, लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, मतलब इसमें मैंने कोडिंग कर दिया है लॉगिन में, ये चेक यूज़र पे जाएगा। अब हमें चेक यूज़र डॉट पी एच पी पेज क्रिएट करना है। ठीक है, न्यू में जाएंगे, पी एच पी पेज बनाएंगे, एच टी एम एल फाइव क्रिएट को सेव कर लेते हैं, चेक यूज़र। ठीक है, ठीक है, तो चेक यूज़र में हम लोग जो इनपुट फील्ड है हमारी, बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड है, ये लिखा हुआ है देखो आपका, इसमें नेम इक्वल टू क्या है, ईमेल, और एक दिया हुआ है पासवर्ड, टाइप पासवर्ड है, नेम इक्वल टू क्या है, पास। तो इन दो वैल्यू से हम क्या करेंगे, इस चेक यूज़र डॉट पी एच पी में वैल्यू गेट करेंगे। तो पी एच पी ईमेल इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट ईमेल, सेम ही तरह से पासवर्ड इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट चेक करेंगे, इफ एस टी आर सी एम पी डॉलर साइन ईमेल, एडमिन एट द रेट एडमिन डॉट कॉम। ठीक है, लेट कलो मैंने ये ईमेल ले लिया, उसको हम चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल टू जीरो एंड एस टी आर सी एम पी डॉलर साइन पास एडमिन। तो हम क्या करेंगे, इसको हेडर लोकेशन कहाँ भेज देंगे, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे, नहीं तो हम एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, इको रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड। अब इसमें देखो आपका, हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था अगर सेशन के अंदर कोई भी कोडिंग करनी है तो आपको पी एच पी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर सेशन यूआईडी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं,
इसको मैं रिफ्रेश फिर से अगेन करता हूँ, रिफ्रेश। मैंने यहाँ पे एडमिन एट द रेट एडमिन डॉट कॉम पासवर्ड एडमिन दिया, लॉगिन किया, ठीक है। तो लॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड बोल रहे, ठीक है। तो चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ डबल इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। देखो पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड सही है। मैंने क्या किया यहाँ पर, अभी इसकी मैं कोडिंग नहीं करी है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो मुझे इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज में जाना पड़ेगा, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज है। इस इंडेक्स डॉट पी एच पी में हम जहाँ पर वेलकम लिख के मैसेज लिख के आ रहा है वहाँ हम जाएंगे। ये आपका वेलकम, ये लिखा हुआ है वेलकम टू ये। तो हमें यहाँ पर पी एच पी कोडिंग करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पी एच पी इको, इको में क्या करना है, डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन, और वहाँ पर ईमेल लिया था हमने ब्रैकेट में जिसमें सेव किया था, यूआईडी किया था, यू आई डी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू आई डी करेंगे, और यहाँ पे सेम वही लाइन जो ऊपर टॉप पे लिखी थी आपने। सेशन कभी भी रीड करने से पहले हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, देखो वेलकम आपका जो यूज़र आईडी आपने दिया था एडमिन एट द रेट एडमिन डॉट कॉम, तो यहाँ पर वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर इसका एक्चुअल नेम लिख के आएंगे तो ईमेल एड्रेस था, तो डेटाबेस में हम लोग कोडिंग कर लेते हैं, मतलब डेटाबेस में एक टेबल बना लेंगे, यूज़र आईडी होगा उसका, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, एक टेबल बन जाती है हमारी यूज़र की। तो उस यूज़र का नेम उठा लेते हैं अगर यूज़र आईडी पासवर्ड सही है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम, अब ये जो यू आई डी है इस सेशन में स्टार्ट मतलब बन गया। अभी आप देखो मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ, सेम साइट किसी दूसरे नाम से हम लॉगिन करते हैं, दूसरे नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेक किया था कि भाई यूज़र आई डी पासवर्ड अगर सही होगा तो आपका यहाँ पर वो नाम आएगा, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं कि अगर ये नहीं है तो, अगर मान लो यूज़र हो, यूज़र दो बना लेते हैं हम, चेक यूज़र में, इसमें ये लगा एल्स इफ, यूजर एट द रेट यूजर डॉट कॉम, ठीक है। और यूजर मतलब एडमिन लॉग इन कर पाए या तो यूजर एक लॉग इन कर पाए, ठीक है। तो ये मैंने दो बना लिया, बाकी नहीं तो और तीसरा कोई आएगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्राउज़र मैंने ओपन किया, ये वाला, इसमें मैं पेज आपका ऑन करता हूँ, कौन सा, ये वाला लॉगिन वाला, ठीक है। मैंने यहाँ लॉगिन किया यूज़र एट द रेट यूज़र डॉट कॉम, पासवर्ड यूज़र
ठीक है, यूजर और लगाना भूल गया, यूजर ठीक है। तो यहाँ देखो आपका लिख के आएगा यूजर, ठीक है, इसी में मैं लॉग इन यहाँ कर रहा हूँ एडमिन से। ठीक तो सेम साइट अलग अलग आपको मैनेज कर रही है, मतलब सेम देखो यहाँ एडमिन लिख के आ रहा है। अब ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ और आपको नाम बता रहा है, यहाँ कुछ और नाम बता रहा है, साइट तो एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरा खोला, लेट कर लो, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया सेम साइट में, नहीं लेट कर लो, मैंने यहाँ यूजर से दे दिया, यूजर एट द रेट यूजर डॉट कॉम, और यहाँ भी यूजर दिया। तो यहाँ लिख के तो आ गया यूजर, आपको लग रहा होगा कि यहाँ यूजर है, यहाँ तो एडमिन आ रहा है। अभी आप इसे रिफ्रेश करो जरा, तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही सेशन है, मतलब एक ब्राउजर का, मतलब ये जो ब्राउजर है ये ब्राउजर का मतलब सिंगल सेशन, ऐसा नहीं कि दो टैब खोल लिए तो इसमें अलग यूजर से हम लॉगिन करते हैं, इसमें अलग लॉगिन से करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। बहुत स्टूडेंट ऐसा ही बोलते हैं, सर ये तो मैंने अलग अलग विंडो खोली है, विंडो का बात नहीं होता, क्लाइंट का बात होता है, ये क्लाइंट है, ये जो ब्राउजर है ये क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट है। तो अब ये जो ब्राउजर है ये दूसरा क्लाइंट हो गया, इसमें आप डिफरेंट से लॉगिन करोगे तो फिर डिफरेंट आएगा। बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं ना, फेसबुक पे लॉगिन किया एक ने, फेसबुक में लॉगिन किया था एक डिफरेंट आईडी से और एक डिफरेंट आईडी से, अब कैसे जब गूगल में क्रोम में करोगे तो वो एक ही आईडी से लॉगिन नहीं करने देगा, अलग अलग। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लिया, उसमें फेसबुक की अलग आईडी चला रहे हैं और एक टाइम में इसमें अलग आईडी चला रहे हैं, तो क्लाइंट की बात हो जाती है, ठीक है। अब ये जो कोडिंग है आपकी सेशन डिस्ट्रॉय, ये कहाँ करते हैं, ये यहाँ नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये तो मैंने एक ही पेज में बता दिया। सेशन जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये सारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं मेमोरी से, ये कब करते हैं जब हमें लॉग आउट करना हो, जहाँ एक लॉगआउट पेज बना लेंगे या तो लिंक बना लेंगे, यहाँ पर यहाँ ऊपर लॉगआउट एक की होती है, जैसे हम लॉगआउट पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, वो लॉगआउट हो जाए आपका, ठीक है। तो लॉगआउट में फिर वो कोडिंग क्या कर देंगे हम, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये सेशन हैंडलिंग आपका फिनिश है।